पेट्रोल और डीजल कारों के ऊपर हमने काफी सारी चर्चा ही करी है, काफी सारी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना अलग टॉपिक उठाया जाए, अलग टॉपिक के ऊपर बात की जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक कारों की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर सिंपली बजट रखते हैं 10 लाख के अंदर। अगर आपको आने वाले समय में या फिर आपके किसी रिश्तेदार को एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है लेकिन आपका या फिर उनका बजट 10 लाख के अंदर है, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर उन कारों को कवर करेंगे जिनकी कीमत आपको 10 लाख रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगी। इनके अंदर आपको सबसे बेहतरीन रेंज देखने को मिल जाएगी। रेंज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज में वो कार कितने किलोमीटर तक चलती है, किस कार के अंदर क्या क्या फीचर्स ऑफर करे जाएंगे, किसके डायमेंशंस क्या है, कौन सी कार बेहतरीन है आपके लिए और किस कार को चार्ज होने में सबसे कम टाइम लगने वाला है, वो सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। 10 लाख के अंदर आज के डेट में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल है, पहली है टाटा की टियागो एवी और दूसरी है एमजी की कॉमेट एवी। अगर आप अपना बजट 10 लाख रुपए के ऊपर बढ़ाते हो तो उस केस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी हो गई जो कि ईवी सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है। नेक्सॉन ईवी के अलावा आपके पास टिगोर ईवी ये एक ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च सिट्रॉन की EC3 ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है और भी 2-3 ऑप्शन आपको 10 लाख रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो का मोटिव है 10 लाख रुपए के अंदर, तो इस प्राइस रेंज में आपको सिर्फ दो कार्स देखने को मिल जाएंगी, पहली है एमजी की कॉमेट और दूसरी है टाटा की टियागो ईवी। तो यहाँ पर साइड बाय साइड दोनों ही कारों को कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाटा टियागो ईवी बेहतरीन है या फिर एमजी की कॉमेट ईवी बेहतरीन है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। एमजी कॉमेट ईवी की रेंज 230 किलोमीटर तक की क्लेम करी गई है और ये एआरआई की तरफ से बताया गया है और कंपनी इसी रेंज को प्रोमोट करती है, लेकिन इन रियलिटी यानी प्रैक्टिकली आपको लगभग 190 किलोमीटर से लेकर 200 के आसपास रेंज देखने को मिल जाएगी। इस रेंज को टेस्ट किया था काफी सारे लोगों ने और ये चीजें सामने निकल कर आई थी। वही दूसरी तरफ टाटा टियागो के अंदर दो बैटरी पैकअप का यूज किया जाता है। टाटा टियागो के 24 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी, ये रेंज एआरआई ने क्लेम करी है। वही टियागो ईवी के 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ आपको 250 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल जाएगी, ये एआरआई ने क्लेम किया है। तो टियागो ईवी के इस बैटरी पैकअप के साथ आपको हार्डली 160 किलोमीटर तक की रेंज या फिर 170 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको काफी कम रेंज मिलने वाली है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टियागो ईवी के अंदर आपको दो बैटरी पैकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वही एमजी कॉमेट के अंदर सिर्फ एक बैटरी यूज करी गई है। हालांकि एमजी कॉमेट के अंदर आपको थोड़ी सी छोटी साइज वाली बैटरी पैकअप देखने को मिल जाएगी, लेकिन टियागो ईवी के अंदर आपको एमजी कॉमेट के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी बैटरी पैकअप मिलने वाली है। रेंज के मामले में आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वही अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो एमजी कॉमेट के अंदर आपको 42 पीएस की पावर आउटपुट मिल जाएगी, वही टियागो ईवी 61 पीएस की पावर आउटपुट प्रोड्यूस करती है 19 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ, वही 75 पीएस की पावर आउटपुट आपको 24 किलोवाट आवर बैटरी पैकअप के साथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको गाड़ी चलाने के मजे चाहिए तो उस केस में आप टाटा टियागो ईवी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो टाटा टियागो ईवी का लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट आपके लिए डेफिनेटली अच्छा खासा साबित होने वाला है। यहाँ पर टाटा टियागो ईवी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है तो यहाँ पर आपका काफी समय बचने वाला है, लेकिन एमजी कॉमेट के अंदर फिलहाल के लिए आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो एमजी कॉमेट का ये एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूं तो यहाँ पर एमजी कॉमेट ईवी को फुल चार्ज होने में लगभग 7 से 7.5 घंटे लग जाते हैं, वही दूसरी तरफ टियागो ईवी के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ 3.5 घंटे ही लगने वाले हैं बैटरी को चार्ज करने में। लेकिन अगर आप 15 एम्पीयर के सॉकेट के साथ चार्ज करोगे या फिर स्लो चार्जर के साथ चार्ज करोगे तो वहां पर आपको 7 से 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो ये डिफरेंस आपके सामने है, यहाँ पर टियागो ईवी चार्ज टाइम में थोड़ी सी आगे निकल जाती है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ पर टियागो ईवी डायमेंशंस के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। हालांकि इसकी हाइट आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी, लेकिन वेट के मामले में और लेंथ के मामले में यहाँ पर टियागो ईवी बाजी मार लेती है। टियागो ईवी के अंदर आपको बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एमजी कॉमेट के अंदर आपको ना के बराबर बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपके सामने है। वही अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एमजी कॉमेट ईवी की कीमत लगभग 7,98,000 रुपए से शुरू होती है, बेस मॉडल की एक्सशोरूम कीमत और टॉप मॉडल की एक्सशोरूम कीमत 9,98,000 रुपए तक चली जाती है। ऑन रोड कीमत के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं टियागो
ईवी की बात करूँ तो टियागो ईवी के बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 8,69,000 रुपीस से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 12,04,000 रुपीस तक चली जाती है। तो यहाँ पर टियागो ईवी की एक शोरूम कीमत आपके सामने है। यहाँ पर अब ऑन रोड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे इन दोनों ही कारों को खरीदने के लिए। एमजी कॉमेट का जो बेस वेरियंट है पेस, इसको अगर आपको परचेस करना है तो आपको 8,56,000 रुपीस देने पड़ेंगे ऑन रोड प्राइस के तौर पर। और ये जो ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताई है, ये प्राइस सिटी टू सिटी वैरी कर सकती है। आपके सिटी में ये प्राइस ऊपर हो सकती है या फिर आपको ये प्राइस थोड़ी सी कम भी देखने को मिल सकती है। एमजी कॉमेट का जो सेकंड बेस वेरिएंट है जिसका नाम है प्ले वेरिएंट, इसको खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 9,92,000 रुपीज और इसके टॉप मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 10,65,000 रुपीज। तो अगर आपको एमजी कॉमेट का टॉप वेरिएंट खरीदना है तो आपका बजट 10,00,000 रुपए के ऊपर आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ है टाटा के टियागो ईवी। टियागो ईवी का जो बेस वेरिएंट है एक्सी, इसको खरीदने के लिए आपको लगभग 9,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आपने टियागो ईवी के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको सेफ्टी मिलने वाली है, अच्छा खासा स्पेस आपको मिलने वाला है और बूट स्पेस के तौर पर आपको टियागो ईवी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि यहां पर आपको रेंज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए, सेफेस्ट कार चाहिए, उस केस में आप टियागो ईवी को आंख बंद कर खरीद सकते हैं। अब इसके ऊपर आपके पास और एक ऑप्शन आ जाता है जो कि है सिट्रॉन की EC3, जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन इस कार को खरीदने के लिए आपको लगभग थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा। इस कार की एक शोरूम कीमत 11,50,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 12,43,000 रुपए से शुरू होती है। तो यहाँ पर सिट्रॉन की EC3 को खरीदने के लिए आपको 10,00,000 रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन 10,00,000 के अंदर अगर आपका बजट है तो उस केस में आप टियागो ईवी का बेस मॉडल खरीद सकते हैं या फिर सिंपली आप एमजी कॉमेट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए तो उस केस में आप टियागो ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको न्यू लुक चाहिए, अच्छा खासा इंटीरियर चाहिए तो उस केस में आप एमजी कॉमेट ईवी को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये चीजें थी एमजी कॉमेट ईवी के बारे में। इसके अलावा टाटा टियागो ईवी के बारे में, दोनों ही कारों के अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लुक अच्छा खासा है दोनों ही कारों का और सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर टाटा टियागो बाजी मार लेती है। वैसे इन दोनों कारों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनको आने वाले समय में एक इलेक्ट्रिक कार लेनी है।